অসাধারণ প্লেয়ার্স আছে এখানে। তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে টাটা স্টিলের যে টিমটা আছে और यहाँ पर शिखा शुरू में ही एक मौका मिल गया था, एक मिनट भी हुआ नहीं था और 30 सेकंड में अगर गोल हो जाता तो एक रिकॉर्ड भी बनता, सबसे तेज और सबसे कम समय में किया गया गोल। लेकिन बहुत ही तेज शुरुआत हो चुका है। उड़ीसा के टीम के मैनेजर, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और ये बोलना बड़ा बोरिंग है, बार बार ये अच्छा भी नहीं है। खिलाड़ी की सूची आप जमा कर रहे हैं। ब्लू जर्सी पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते पाच्छी ब्लू जर्सी ते एफसी किस्को ब्रदर्स टाटा स्टील जमशेदपुर टीम जेखने किन्तु दारुण दारुण प्लेयर आछे। तार मध्ये आमादेर गोलकीपार गौरव आछे, कैप्टन शुकलाल, गुरबा, राजा, मंगल, गोकुल, लाको, रविराज, सागेन, राम, अजय, सबाई किन्तु अत्यंत भालो खेलोवाड़ बोलते पारे, बोलते पारे ना, सत्यि सत्यि भालो खेलोवाड़, दारुण खेले सबाई। খেলা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, কিছু নিয়ম আপনাদেরকে কিন্তু সময়ই মেনটেন করতে হবে। পরবর্তী ম্যাচ আমাদের क्योंकि अभी जो मैच चल रहा है ये भी थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी समय का ध्यान ना दें और आप लोग लेट करें। समय का ध्यान रखिए सभी टीम। इसी बीच में बहुत ही सुंदर कॉर्नर एंगल से गेंद को वहां पर चिप कर दिया है बॉक्स के अंदर, धूल उड़ती हुई यहां पर शुरुआती अटैक जमशेदपुर की तरफ से। जितने प्लेयर्स को आप देख रहे हैं कोई रिकॉर्ड में एकेडमी से आए हुए, कुछ खिलाड़ी टाटा स्टील से टीएफए के प्रोडक्ट, बहुत सारे खिलाड़ी और पहली मरतबा इस मैदान पर काफी लंबे अरसे के बाद सार्जियो मैदान में इन सभी खिलाड़ियों को मैंने खेलते हुए देखा था। इसके बाद एफसी किसको ब्रदर टाटा स्टील जमशेदपुर की टीम में चार्जर रूम में और लगा खास नजर टीम के स्ट्राइकर रविराज जर्सी नंबर 10 पहने हुए, जबकि 11 नंबर में अजय जो फॉरवर्ड लाइन को लीड करते हुए। एक जबरदस्त मिडल वाला में मुकाबला चलता हुआ और यहां से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर के लिए अपना जगह को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहां से जीतेगा कौन। सुंदरगढ़ उड़ीसा की टीम रेड व्हाइट में खेल रही टीम है, आकाश है गोलकीपर और अनिकेत है 13 नंबर जर्सी बने हुए, हरिजीत जर्सी नंबर 6 और सागर जर्सी नंबर 5, आकाश है जर्सी नंबर 7 और विदेशी मूल के खिलाड़ी अर्नोल्ड को मैं देख रहा हूँ जर्सी नंबर 2 बने हुए। और नाना जर्सी नंबर 12 में खेलते हुए अर्नोल्ड के पास, अर्नोल्ड नेगन को बॉक्स के अंदर गेंद को लेकर अंदर चले गए हैं, लेकिन एक बार फिर से अर्नोल्ड गेंद को जीतने की कोशिश, मगर इससे पहले एक बार फिर से सुरक्षित गेंद को निकाल दिया है मोहम्मद, जो कि जर्सी नंबर 4 पहने हुए विदेशी मूल के ये खिलाड़ी।
जबकि तपन है जर्सी नंबर 9, विजय जर्सी नंबर 3 और मुन्ना जर्सी नंबर 8। जबकि सब्स्टिट्यूट में दीप, गोलू और विकास इस टीम में मौजूद है उड़ीसा का। सुंदरगढ़ उड़ीसा राटापट जबरदस्त मैच हम करना बना टीम की कॉम मलू करना अलग अलग स्टेट के गाती चला करना इसे तो बात तो आप प्रथम मैच लिखा होगा तो इनानो एफ मैच कलिंग कॉम और एफसी सार्जम बगान तलारे का गाती भी लग और एक जबरदस्त मैच भी लेना बना रहे। हालांकि कलिंग कॉम टीम को हरा करते को बाहर ना मैन का नुकुआ खिलोड़ जतो हड़ को बाबू जल्दी अलग से वीडियो था जतो हड़ विहर रहे बिना बुला ये बीच रहे विदेशी मूल रहे खिलाड़ी अर्नोल्ड बॉले जीतो दाड़े खेला सब मैंखान उड़े रचल पंती राजा अभी मजबूत खिलाड़ी खेला राजा राजा जयपुर लेकर आगे बढ़ रहा है और टीम के कैप्टन यहाँ रविराज को ढूंढ निकाला है। खास कर लेकर उनको बढ़ाया जरूर था अब के लिए अजय खेल ले लेकिन अजय थोड़ा सा पीछे हो गए और गोलकीपर आकाश के पास गया। आकाश का क्लियर अपने हाफ लाइन के खिलाड़ी खेल लेफ्ट हाफ से अर्नोल्ड कर लेगा। अर्नोल्ड विंग की पोजीशन को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए इसी बीच में जर्सी नंबर 6 कर लेगा इनको आगे बढ़ाया अरिजीत के लिए। अरिजीत का क्रॉस लेकिन काफी ज्यादा गेंद को ओवर हिट कर बैठे और इस वजह से गेंद गोल सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई। नेक्स्ट मैच के लिए अभी से रेडी रहेंगे YFC रांची वर्सेस FC बादोली यूनाइटेड दुमका। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करूंगा आपके कुछ खिलाड़ी यहां आए हुए हैं कृपया करके आप अपने खिलाड़ी को अपने यथावत अपने स्थान पर लेकर चले जाएंगे। इसी बीच एक बार फिर से यहां पर मौका बनेगा जर्सी नंबर 9 पहने हुए खिलाड़ी हल्का सा गेंद को तपन डायरेक्ट क्रॉस किया वहां पर पेनल्टी एरिया में हरंगी गेंद खतरे वाले एरिया में ज्यादा देर तक गेंद रुकी नहीं और राम ने क्लियर कर दिया टाटा स्टील जमशेदपुर के हाथ से। हालांकि जर्सी नंबर 2 पहने हुए लोगों के विरुद्ध में दो खिलाड़ी वहां पर अटैक कर रहे थे। अच्छा नजारा बहुत ही खूबसूरत और कॉन्टेस्ट यहां पर जबरदस्त फुल बैक में खेल रहे खिलाड़ी गुरबा एक खिलाड़ी का मैं चर्चा कर रहा था फुल बैक में एक आयरन गेट माने जाते हैं और इसे भी टाटा स्टील वो इस्पात की नगरी बोला जाता है और इसी तरह से गुरबा एक इस्पात की तरह एक लोहे की दीवार की तरह माने जाते हैं। हालांकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कैप्टेंसी का आर्म बैंड जर्सी नंबर 3 मंगल उनके बाहे पर देख रहा हूँ और रविराज जो कि सेंटर फॉरवर्ड को इस समय लीड करते हुए शानदार तरीके से गेंद को लेकर अंदर जाने की कोशिश राम को गलत तरीके से यहाँ पर टैकल करके रोका गया है। निकी के लिए सुधारा मौका टाटा स्टील जमशेदपुर की टीम पहली मरतबा आप ऐसी टीमों को देख पा रहे हैं और चांद भैरव क्लब गोकुलपुर पाकुड़ का ये टूर्नामेंट इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ एक फुटबॉल खेल के क्षेत्र में और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कल के दिन हमारे बीच में चांद भैरव क्लब गोकुलपुर पाकुड़ संथाल परगना में पहली बार अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारत का कैप्टनशिप करने वाली लड़की अष्टम उराव हमारे बीच में आ रही है अतिथि के रूप में। निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है कि जिस लड़की ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है फुटबॉल खेल का वो खिलाड़ी हमारे बीच एक अतिथि के रूप में आकर के हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगे। मंगल दो सोखे गाती लगी शुक्ला इसी बीच बहुत ही सुंदर गति से तपन का क्रॉस यहाँ पर मौका हो सकता है थोड़ा सा पीछे रह गया वहां पर विदेशी मूल के खिलाड़ी अर्नोल्ड तब तक में गौरव गोलकीपर ने कलेक्ट किया हुआ छिटकी भी बॉल को जीतने की कोशिश मंगल के पास गे, 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 गे,
आगे की ओर में पास बढ़ाने की कोशिश, मगर और गोलकीपर ने बाकी का काम किया, कॉर्नर को किसी तरह से बचा लिया। उड़ीसा की टीम एक बार फिर से दबाव बनाने के इरादे से, देखना है नाना क्रॉस जरूर। जर्सी नंबर 6 आगे की ओर गेंद को खेला है गोकुल। गोकुल का मैं बहुत तारीफ मैं सुनता हूँ, जब भी जब बात आती है जमशेदपुर रांची के एरिया के, गोकुल का नाम बड़े चर्चित फुटबॉलरों में माना जाता है। गुरबा का नाम राजा जर्सी नंबर 7, उनके मौजूदगी में उतना आसान नहीं होगा। और ये टीम को मैं बराबर देखता हूँ, अच्छे अच्छे कितनों ही विदेशी खिलाड़ी रहे या देसी खिलाड़ी रहे, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को इन सभी टीमों ने टक्कर दिया है। मेकॉन का प्रोडक्ट, टाटा स्टील एकेडमी से भी कुछ खिलाड़ी तब कर वहां से आए हुए, दिन रात मेहनत करते हैं। और बड़ा ही अचीवमेंट है कि हमारे चार भैरव क्लब गोकुलपुर के मैदान में पहली दफा आकर के हमारे मैदान को धन्य कर दिया है। और मैं तारीफ करता हूँ चार भैरव क्लब गोकुलपुर के इस कमिटी के मैनेजमेंट को, यहाँ के अध्यक्ष सचिव हर किसी को, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उन लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। एक महीना डेढ़ महीना से इसी ग्राउंड में यहीं पे खाना बनता था और इतना क्रेज मैंने कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट में देखा नहीं था। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े टूर्नामेंट में भी मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला, लेकिन इतना क्रेज मैंने कहीं देखा नहीं था। एक महीना तक इस ग्राउंड को सजाया जा रहा था, यहाँ की मैनेजिंग सिस्टम एक एक चीज को रूपरेखा को बनाया जा रहा था। तो ऐसे में ये लगता है कि गोकुलपुर की कमेटी चांद भैरव क्लब और चूंकि सिर्फ हम ही तारीफ नहीं करते हैं, जब रोकी यहाँ आए थे जो आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी कल हार करके चले गए, लेकिन उसने सबसे ज्यादा अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया था कि इस मैदान में आकर के जो उनको खेलने का और यहाँ की सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज जनाटे जैसे विदेशी मुल्क के खिलाड़ी काफी तारीफ करके गए। अच्छा लगता है जब कोई आपके मेहमान यहाँ से तारीफ करके जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है एक मेहमान की। यहाँ के खाने पीने का व्यवस्था प्रत्येक टीमों को यहाँ पर जिस तरह से मछली भात खिला करके विदा कर दिया गया, हार जीत अपने जगह, लेकिन इतने सारे चीजों को करना, खिलाड़ियों यहाँ से कोई इतने सुसज्जित तरीके से उन लोगों को विदा करना, इसमें दर्शाता है कि आने वाले समय में ये टॉप टूर्नामेंट में से गिना जाएगा गोकुलपुर की टीम। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ चांद भैरव क्लब गोकुलपुर एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा, अभी तो बस शुरुआत है। मैंने पहले ही कहा कि यह शुरुआती साल है, इतने बड़ा प्राइज मनी का ये टूर्नामेंट, लेकिन मुझे तो कभी लगता ही नहीं है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली दफा ये 3 लाख का टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ। मुझे लग रहा है कि ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह से यहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट के प्रत्येक सदस्य का, छोटे बड़े सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही लाजवाब है। उड़ीसा के खिलाड़ी का यहाँ पर आक्रमणकारी शॉट, हवा हवाई शॉट, लेकिन गोलकीपर वाले लाइन से बाहर। सीखा दोनों टीम बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलते हुए, और इसे में लगता है कि पहले हाफ में कभी भी किसी भी क्षण को थोड़ा सा भी आकर अपने डिफेंस लाइन को लूज करेंगे तो दूसरी टीम मौके को छोड़कर निश्चित रूप से गोल दागने में सफल हो जाएंगे। जानी जो जाती जैसे दुबांगे जैसे जाना
जस्ती घड़ी तो बांग तंगी हुई तब ना देला बुना मिक्री ताइनो खान के एक बोल दर तीन घड़ी पोर ना तो बापू ने ठीक दाय करना चलो यह बना आरो थोड़ा मीटर मिस ताइनो थे नो का भूल चुप में हुई होगी तब ना और शिखा दोनों टीम के खिलाड़ियों का जो फील्डर प्रोफेसर है बहुत ही अटैकिंग जिस तरह से दोनों टीम दबाव बना रहे हैं जैसे ही बॉल मिलती है गेम खेलता है उतने तेज गति से वो आक्रमण कर देते हैं फोटो भी आज हेलो थोड़ा सा दोनों टीम के खिलाड़ियों को एक स्पोर्ट स्पिरिट को समझाते मेरे फ्रेंड और जरूरत भी है सबसे अहम चीज होता है स्पोर्ट स्पिरिट खेल भावना इसी बीच खतरा यहाँ पर मौका बनेगा एक मौके पर वहां पर फुल बैक पोजीशन में खेल रहे खिलाड़ी गिर गए थे चांस बना था मोहम्मद जिस तरह से गिरे थे पीछे जरूर घात लगाए खिलाड़ी खड़े थे इसी बीच बहुत ही सुंदर गुरबा के बाद ये राजा के पास राजा ने बॉल को जरूर अच्छा बॉल डिलीवरी बहुत ही अच्छा है गजब का पास स्किल बहुत ही अच्छा है देखना है यहाँ पर रविराज भाई इसी खिलाड़ी का चर्चा कर रहा था एक स्ट्राइकर के एक हिटर माने जाते हैं तेज हिट लगाते हैं लेकिन थोड़ा सा वो फ्रेम में गेंद को नहीं रख पाया অসাধারণ ভাবে কিন্তু ম্যাচটা শুরু হয়েছে আর এখনো পর্যন্ত দুজনের চেষ্টা এর মধ্যে সেই অসাধারণতা দেখা যাচ্ছে আমাদের শ্রী মহাকাল স্পোর্টিং ক্লাব সুন্দরগড় উড়িষ্যা আর টাটা স্টিলের টিম জামশেদ করে এসেছে কিস্কু ব্রাদার্স দারুণ দল দারুণ চেষ্টা প্রথম থেকে তারা অবশ্যই পরিশ্রম করে যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ খেলা চলাকালীনও কিন্তু মাঝে মাঝে সিচুয়েশন সেরকমই হয়ে যায় যে অশান্তি চলে আসে এই মতো দেখা যাচ্ছে যে একটু হাতে হাতে কেটে এডকেটর কান্তা কো গিয়া যাতে নিয়ে চেষ্টা গিয়া কম এখান এডকেটর হয়ে গত গিয়া ও হয়ে গিয়া যে আসে ওনারা খেল কানা ওনার জুনুন তাকে ওনার জোশ মেয়া তাকে আকো মনে রে ওনার দিল দাঁড়ে কেটে কাতে খেল কানা কো তো ওনার তো কাটি ছিল হাতে হাতে আকো মন খুশি বাং হয়ে গেছে কিন্তু আকো এডকেটর কান গিয়া কো इसी बीच में एक सुनहरा मौका उड़ीसा की टीम सुंदरगढ़ उड़ीसा फुलबर के एरिया से यहाँ पर आपने विपक्षी टीम के हाफ से एक मौका मिला है फ्री किक के लिए मोहम्मद कितना अटैकिंग कितना बेहतरीन शॉट लगा पाते हैं नीचा शॉट लगाया पेनल्टी बॉक्स के अंदर जरूर दाखिल हुई थी गेंद लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 13 पहने हुए खिलाड़ी अनिकेत ने गोल कीपर के लिए आकाश जरूर मौजूद है और आकाश ने बाएं पैर से गेंद को लंबा हिट लगाया हालांकि यहाँ टीम के कैप्टन के पास शुक्ला इसी बीच जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे मुन्ना का अच्छा पास साथी खिलाड़ी सागर के लिए बेहतर
चार भैरव क्लब गोकुलपुर टूर्नामेंट रन टूर्नामेंट रन अध्यक्ष महोदय मनोतन चेयरमैन राम सिंह टुडुंदा एक अपील हुई वहां पर मैच रेफरी का वहां पर इशारा होता है और सेंटर लाइन के ऊपर से फ्री किक के लिए मौका टाटा स्टील जमशेदपुर के कैप्टन शुक्ला फिलहाल शॉट के लिए तैयार है उड़ीसा के लिए उड़ीसा के वापिस रक्षक पंक्ति को भेजने की कोशिश थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हुई पर फिलहाल यहाँ उड़ीसा एक बार फिर से वहां पर गलती कर गए हैं गेंद को जीतने की कोशिश दो खिलाड़ी भी यहाँ पर जद्दोजहद जारी है लेकिन उड़ीसा के हाफ लाइन के द्वारा गेंद को क्लियर किया था अनिकेत जो कि फुलबैक के पोजीशन से टीम के कैप्टन अनिकेत खेलते हुए डायरेक्ट सेकंड पोस्ट को टारगेट करके टॉप कॉर्नर में कॉल कराने का प्रयास किया था यहाँ पर जिस तरह से प्रयास रहा जैसे नंबर फोर बने हुए खिलाड़ी टाटा स्टील जमशेदपुर हालांकि सही टारगेट में गेंद गई नहीं फर्स्ट टाइम में पास बढ़ाया गया था दोनों टीम इस मुकाबले में सीखा बहुत ही ग्राउंड का अच्छा इस्तेमाल किया है पूरे ग्राउंड में चाहे लॉन्ग पास हो शॉर्ट पास हो हर तरीके के पास देखने को मिल रहा है प्लेयर्स प्लीज डोंट आर्ग्यू विद रेफरी क्या बेहतरीन चांस बना था गोल माउंट के ठीक सामने में टाटा स्टील की टीम लेकिन ये छाए हुए हैं थोड़ा सा वहां पर जिस तरह से खिलाड़ी को चोट लगी है मेडिकल टीम आप लोग पहुंच जाओ नेक्स्ट मैच के लिए YFC रांची और बादौली यूनाइटेड दुमका YFC रांची वर्सेस FC बादौली यूनाइटेड दुमका दोनों टीम के मैनेजर आप अपने खिलाड़ी को रेडी करके रेफरी स्टेज के बगल में ला करके रखेंगे YFC रांची वर्सेस FC बादौली यूनाइटेड दुमका नेक्स्ट मैच के लिए आप अपने खिलाड़ी को रेफरी स्टेज के बगल में आप वहां पर ला करके रखेंगे मानिक चंद्रदेव हमारे बीच में इस समय जो कि खुद एक बड़े फुटबॉलर रहे फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी रहे
एक्स फुटबॉल इस एक्स फुटबॉलर मनिक चंद्र देव की तरफ से 500 का ये ऑफर आ चुका है फर्स्ट गोल के लिए। अब देखना है दोनों तरफ में से कौन खिलाड़ी पहला गोल दागेगा। ऑफर की जो है बौछार अभी शुरू होने वाली है, अभी बरसात तो अभी शुरू हुई है। अब देखिए कल और इसी तरह से प्राच बने की यहाँ बौछार होगी, अब शुरू हो ही गया है, हमारे मानिकदा ने शुरू कर ही दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर फर्स्ट हाफ की समाप्ति हो गई है। फर्स्ट हाफ तक के खेल में ऑफसाइड का पहले इशारा पहले ही हो गया था, क्या रणनीति बनी होगी दोनों टीम के बीच। मजा माइक ना हाय भैया नुआ तो निपुण ये लेकर नीत दबी है पाँच दूसर हाफ गाते चला करना नीत दबी मिट्टी हड़ बोकु गोल का तब ना आर रोई आर अड़ी हट से बाप गाते तो अड़ी मच गाते कन गया अगर कुछ चला बड़ा ओपन था उन्हें को एरियर तो एमआर खिलाड़ी को जैसे कॉर्नर खिलाड़ी को उन्हें नखर तो उन्हें ऑफ साइड या रूम तो बाग था ना उन्हें तो भी बार तो नोटे को हेलन था उनको अड़ा धोखा को जो बाग बहुत ही सुंदर हवा में गेंद को लहरा दिया है लेकिन गोलकीपर बहुत ही सुंदर पोजीशन में खड़े थे। गौरव ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया और फिलहाल यहाँ पर लंबा शॉट यहाँ राजा के द्वारा लेकिन काफी ज्यादा शॉट को गोलकीपर के सामने वाले दिशा में गेंद को शॉट लगाया। इसी के साथ हवा में गेंद को लहरा दिया था, मौका बना सकते हैं साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। आखिर सेकंड हाफ में जो मैदान के अंदर आए हुए खिलाड़ी गोलू जो कि हाफ लाइन को इस बार मजबूत करते हुए जो कि 14 नंबर जर्सी पहने हुए उड़ीसा की ओर से और फिलहाल अलरोड के पास है गेंद। एक खिलाड़ी को भी करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उतना ही सुंदर जर्सी नंबर 2 पहने हुए खिलाड़ी पूरी तरह से जगह को कवर किए थे लोगों जो कि हाफ लाइन को इस तरह से शुरू से ही बराबर गेंद को अपने एरिया से रिलीज कर रहे हैं। दोनों टीम बहुत ही टेक्निकली रूप से बहुत ही सशक्त माइंड से स्ट्रोक है दोनों का। इसी बीच साथी खिलाड़ी का कोई ऑप्शन नहीं है हालांकि वहां पर नाना के लिए नाना का शॉट साथी खिलाड़ी तपन के एरिया में तपन को जरूर ढूंढने की कोशिश किया था लेकिन तपन से गेंद रुकी नहीं। अब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ आज के दिन में तगड़ा कॉन्टेस्ट के साथ साथ लाइन नीत दौड़ का तबना इं रोड़ आज तब पे जवाब वो जवाब लट्टू भाई बैठा बेस्ट चाहिए ना क्रिस्टियन भी किया ना रखूं ना।
लाए बंद को इन एम भी बनू तीन मोबाइल लाए बारम चला आधा घंटा तीन जीबी हाँ जरूर कमा सा प्रधान नौका की रिप्लाई बड़ा को नाम बोलते हैं मैं मस्त हूँ माया रिप्लाई माचे वो रिप्लाई में चे मु रिप्लाई करना चे है थैंक यू या चे खुली हुई कमी है नौका की रिप्लाई बड़ा को में हेलो मी धारता गिदरा दाला पे कुल से बाकवा जदा जनवा सेकंड हाफ रिया गाती चला करा चिदाजे उना दबी तब से टाइम भी वापस गए फिर गिदरे उन्हें खिल प्लेयर आदर लगे फिर दिक्कत हुआ ना तो भी धार दो गिदरे आलोपे कुल को नुआ मैच बात करते हैं उनको इसके बाद सेकंड वाला मैच रांची और दुमका वाला मैच को स्टार्ट है चुका इसके बाद हाँ धक्का जो हमको गिदरे दिखो पर वडाट को मेहनत कर हमको गिदरे गिदरे तो कटे कटे गिदरे को वो देख तो आलोपे धक्का पे आलोपे जम तड़ा निये बात करते हैं निये चबा चबा निये लास्ट मैच पे आदर को और इसके बाद हाँ चला पे निये तलारे नोडे उड़ीसा टीम शानदार मौका को बनाऊंगा प्लेयर्स प्लीज आप लोग रेफरी का डायरेक्शन का पालन करें अपील करना आपका मौलिक अधिकार है लेकिन सैयद आपका अपील कितना ज्यादा स्वीकारा जा रहा है उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए अच्छा शॉट और यहाँ पर क्या गोल होगा आगे नहीं क्या बेहतरीन मोमेंट यहाँ पर बना था तीसरा आक्रमण दर्शकों का कोलाहल ये बताता है किस तरह से छत पैदा हुआ था पहला आक्रमण गोलकीपर ने रोका सेकंड आटम पोस्ट ने बचाया और तीसरा वहां पर खिलाड़ी ने गलत कर दिया और उड़ीसा का सुंदर मौका यहां पर गवा चुके हैं एक खिलाड़ी मान लीजिएगा यहां पर गोलकीपर थोड़ा सा वहां पर इंजर्ड हो गया है इस वजह से प्ले को कुछ सालों के लिए यहां पर इसको पास कर दिया गया है इस वजह से गोल नहीं हो पा रहा है या फिर कहीं ना कहीं दोनों टीम का यहाँ पर लग थोड़ा सा साफ नहीं दिया दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा मजबूत है इसीलिए शायद नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई नहीं दे पा रहा है अपने तारीख अपने साइड से गोल तो दूसरों को भी लेने नहीं दे रहा है पूरा कोशिश है कि डिफेंस को रोकने के लिए दोनों जो टीम है टाटा और उड़ीसा दोनों का जबरदस्त टीम का प्लेयर सबका टेक्निक इतना जबरदस्त हम लोग देख पा रहे थे कि पूरा कोशिश करने के बावजूद एक बार दो बार तीन बार में भी नहीं हो पाया तो समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग प्लेयर सब है और कितना स्ट्रांग तरीके से खेल रहे हैं ये सब यहाँ जहाँ पे देख रहे थे ना 2 और 12 का जो प्लेयर थे हमारे उड़ीसा के बहुत
हमारे टूर्नामेंट के अध्यक्ष महोदय चेयरमैन श्री राम सिंह टूडू जी, कृपया करके स्टेज में राम सिंह दा कृपया करके जल्दी से आने की कोशिश करेंगे, कुछ जरूरी काम आपके पास है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से हाई मैन स्टेज में आने की कोशिश करेंगे। तो शिखा दोनों टीम बहुत मजबूती के साथ खेल रहे हैं और अच्छी बात है। और कल के दिन का पूरा मैं याद दिलाना चाहूंगा, कल इसी तरह से इस चांद भैरव क्लब गोकुलपुर पाकुड़ के एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल दिन में, जहां हम सब का इंतजार है एक उस चैंपियन को देखने के लिए कि इस बार का चैंपियन कौन सी टीम बनेगा, और देखना है कि इस बार का चैंपियन यहां से कौन सी टीम 3 लाख जीत कर जाएगा। और रॉन्ग टैकल के लिए वहां पर बुकिंग किया गया है, येलो कार्ड दिखाया गया है। और नियर बिहार को मोड़े पर से नसिया बापे मुझे बाउले टाइम को है उल्टे उली दिया मैं खा ना रहा रेफरी चिदा बाय और होगा चिदा जे नुमा ये पे बाय और होगा चिदा जे ओडे उल्टे मैं उल्टे की दिखे मैं खान बॉल पसंद कर रहे आपूर्ण खिलाड़ी की पड़ा खान था और कोई चिता अंदर बॉल हिल करना उन्हीं तक पूरे खिलाड़ी की पड़ा खान ये में उन्हें तो बाय और होगा उन्हें कहना एडवांटेज प्ले किया उन्हें तो तो यहाँ सुनहरा चांस है एफसी किस्कू ब्रदर टाटा स्टील जमशेदपुर दोनों सुनिए सुनिए पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी मौका गवा दिया है। क्या बेहतरीन चांस, हालांकि इससे पहले ही शायद ऑफसाइड का फ्लैग उठ चुका था, लेकिन जो स्थिति जो पैदा हुई थी बहुत ही सुंदर। अच्छा मौका यहाँ पर दोनों टीम कांटे की टक्कर का है शिखा। और मैं कह भी रहा था कि कल का दिन इतिहास के नए अध्याय में जुड़ेगा, कल चूंकि हमारे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारत का कैप्टेंसी करने वाले, आप समझिए इंडिया टीम का जिसने कैप्टेंसी की है वो लड़की हम सब के गौरव झारखंड की बेटी हमारे बीच कल अतिथि के रूप में आ रही है सुश्री बस्टमोरा, कल हमारे बीच अतिथि के रूप में कल आने वाली है। और दो टीम गर्ल्स का कल फ्रेंडली मैच भी होगा, दो अलग अलग राज्य से बंगाल खतरा बांकुड़ा की टीम आ रही है और जिसका सामना एफसी देवघर के लड़कियों के साथ होना है, तो कल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अच्छा लगता है यहाँ के दर्शकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को प्यार दिया है शिखा। सुंदरगढ़ ओडिशा और साथ में टाटा स्टील जमशेदपुर। टाटा स्टील जमशेदपुर नाम सुनते ही ऐसे लगता है ना कि एकदम टाटा स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है और ओडिशा भी कुछ कम नहीं है। दोनों का कोशिश देखते हुए ये नहीं लगेगा कहीं पे कि ये लोग कहीं पे जगह छोड़ रहे हैं किसी के लिए, नहीं, कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी जगह छोड़ने के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उसी का वजह आप लोग देख चुके हैं, इससे पहले एक गोल होने वाला था लेकिन इतना अंकन के साथ वो लोग रोका हुआ था कि वो नहीं दे पाया गोल, नहीं दे पाया अपने साइड से गोल। कोई भी अभी तक कोशिश जारी है दोनों के सभी प्लेयर्स बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन मतलब जबरदस्त तरीके से अपना बेस्ट लेवल देने की खोज रहे थे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इससे पहले बहुत सारा रिकॉर्ड करके गया है दोनों टीम जो खेला था, दोनों टीम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड बनाया था और ये लोग भी शायद रिकॉर्ड बनाने ही वाला था स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ गलती की वजह से छोटा मोटा भूल चूक हो गया था, इसलिए नहीं दे पाया था, इसलिए अभी भी शायद स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अभी तक किसी के पन्नों में एक भी गोल नहीं आया है, तो पूरा कोशिश अभी जारी रहेगा। अभी हाफ टाइम भी हो गया, हाफ टाइम के बाद मतलब हम समझ सकते हैं कि अपने बाद में मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, दोनों टीमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहते हैं, क्योंकि ये हाफ टाइम के बाद मतलब जो करना है हाफ टाइम के पहले करे तो ठीक है, और वरना अगर हाफ टाइम के पहले तक ही कुछ नहीं हो पाया तो सेकेंड हाफ मतलब बहुत ही प्रेशर रहता है दोनों की टीमों के बीच में। और अभी प्रेशर और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अभी तक ये दोनों में से किसी ने भी एक भी गोल नहीं ले पाया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, इसी बीच एक चोट की वजह से शायद यहाँ पानी का मेडिकल के लिए यहाँ पर इशारा कर दिया गया है और दोनों टीम इस मैच मुकाबले को बहुत ही हाई प्रेस
इसी लिए मुकाबला है और जरूरत भी है कि दोनों टीम का टक्कर दो पहल। और इसी के साथ साथ हम अगले मैच का भी रेडी करने के लिए बोलते हैं। अगले मैच जो हमारे होने वाले हैं YFC रांची वर्सेस FC बादोली यूनाइटेड दुमका, ये दोनों टीम के मैनेजर के पास टीम मैनेजर के पास रिक्वेस्ट है हमारे, अपने प्लेयर सबको रेडी करके रखिए क्योंकि ये टीम का जो अभी मैच चल रहा है ये मैच कुछ ही साल में ही खत्म होने वाली है, तो उसी के बीच आप लोग भी रेडी रहिए, अपना प्लेयर लिस्ट भी रेडी करके जमा करके जाइए। प्लेयर जर्सी नंबर 12 और फ्रॉम देयर प्लेस बिकॉज यू आर इन रेड कार्ड एंड डोंट मेक आर्ग्यू विद रेफरी एंड अदर प्लेयर, we should accept the rules of committee. The referee's decision will be final decision during the match and we will have to follow the decision. সুন্দরগড় উড়িষ্যা তাসরি টাটা স্টিল জামশেদপুরের সেকেন্ড হাফ ম্যাচ চলছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে এদের ম্যাচটি শেষ হয়ে যাবে, সেই কারণে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের পরবর্তী ম্যাচ YFC রাঁচি তার সাথে FC বাদলি ইউনাইটেড দুমকা, এই দুটো টিমকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে টিমের ম্যানেজারের কাছে, তারা তাদের প্লেয়ার লিস্ট রেডি করে আমাদের কাছে জমা করে দিয়ে যাক। আর এই মুহূর্তে আমরা বাদলি ইউনাইটেড দুমকার প্লেয়ার লিস্ট পেয়ে গেছি, YFC রাঁচি টিম ম্যানেজারের সাথে নিবেদন করছি আপনারা প্লিজ আপনাদের প্লেয়ার লিস্ট জমা করে যান আর তার সাথে সাথে আপনাদের প্লেয়ারদের নিয়ে রেডি থাকুন। रेड कर दो बहने से लिया तो ले बहने से लिया रेड कर दो हाँ लेकिन हटाओ ना सेवा है हटाओ ही हटाओ शिखा जी ने जो मैच चला है ना बड़ी तपिस मैच मुझे हालांकि मैच ओडिशा से कौन प्लेयर को रेड कार्ड दिया विदेशी मुंडे था तो कहीं ना कहीं मैच है कुछ आई थिंक इफेक्ट था जो उड़ी रेड कार्ड आउट फील्ड में नया तो सर तो जो मैच फिलहाल जो स्कोर है बम ही करना चाहिए कि जफर जान का मोमेंट बम खेल करा तो पसे आई थिंक जो असर भी ना जो मिटे रेड कार्ड प्लेयर मिला थे तो पसे उन्होंने मिटे असर था ना उनका का स्कोर है कुछ इजाफा हुई था शिखा जी हां टाइम पास बाद में पुलिस वाले के लिए दुख ना कथा नो दो जैसे मिटे प्लेयर कम का दवा माने रे इने कम दो आडिकन के कम करा जैसे मिटे प्लेयर की तो मिटे बोले अब दरे आए है नॉट टीम के ना खेल करा जो दौड़ के दौड़ कर करता को मिटे ताहु मिटे नोड़ा रे मिटे सदस्य बाय था ने खाना नहीं दूर पूजे सब ठीक रोटा ही तो दुख आपको तो होएगा तो भूल तो आपको के करता को भूल कर खाते तो नवा जिस तो स्ट्रगल हुए करता को अब ताहु उनको जहां तक और मिटा को उनको ताला लगे आपको को पूरा को कोशिश है को दिल तो दूना पर जर्सी तो के बोल इधर तो देरे था यार बैठा बाय दारे आता होटे नहीं तो नवा गाती क्या चीज रिजल्ट हुआ अंतिम रिजल्ट क्या आएगा रेगुलेशन टाइम में भी अभी भी कम से कम 5 या 6 मिनट मुश्किल से बचा हुआ है उसमें भी रेफरी कितना एडिट टाइम देंगे, अब दूसरे हाफ में बहुत कम वक्त रह गया है, अब दोनों टीम की क्या रणनीति रहेगी यही मौका है, अगर गोल नहीं करते हैं तो फिर ट्राई करके आपके लिए बड़ा रिस्क होने वाला है।
एक बार फिर से उड़ीसा के ऊपर एक बार फिर से दबाव बनता हुआ जर्सी नंबर टू गेंद को होल्ड किया है लोगों ने, लोगों का पास वहां राजा के लिए, राजा ने गेंद को जरूर वहां लोपिंग शॉट लगाया था लेकिन गोल कीपर वाले लाइन से बाहर, ऐसे में कोई मौका नहीं। उड़ीसा की टीम को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, दोनों टीम अभी भी शून्य शून्य पर खेलते हुए, नींद अभी बना टीम भी 0-0 रहे। इसी बीच थ्रू पास आगे की ओर यहाँ पर जमीन में सरका करके बढ़ाने का प्रयास, लेकिन टीम के कैप्टन अनिकेत का पास देखना है, यहाँ अर्नोल्ड को ढूंढ निकाला है लेकिन अर्नोल्ड से गेंद काफी तेज गति से बाहर निकल गई। थोड़ा सा समय सारे का समय रहे जिकाया बना टीम अड़ी मैं पास उड़े मैं ग्यारह नंबर जर्सी हरों का खिलाड़ी आ जाए थोड़ा गलता है बॉल बैठा जीता हुआ उड़ी सारे खिलाड़ी मिडफील्डर है अर्नोल्ड रगी अड़ी पॉइंट उड़े जमीनी पास है उनका लेना हाथ से अर्नोल्ड में विदेशी मूल रंग खिलाड़ी अड़ी हड़बड़ा करते बॉल दी दी दा मैं पेपे उठे पुकुन उठे खिलाड़ी तुम्हें सही कर दिया और उड़ी बॉल रही करते लहा से अड़ी पॉइंट उड़े जर्सी नंबर 12 अर्फ थ्रू पास सोंगे गाती लगी अजय बोले नाम करा टाटा जमशेदपुर रन खिलाड़ी लहा से सोंगे पास उमर गया बंदा मैं कोई विकल्प बांधा है करा 20 नंबर राम और अजय अड़ी मौज की टेक्निक सलाह बनार की तालमेल का नियधार उड़े अजय पास मैंखा टीम रैंक कैप्टन फुल बैक रहेगा ही का अनिकेत हेडर के माध्यम से बॉल क्लियर करा बचाव के क्रम में हालांकि उन्हीं के गोल लाइन के लाइन से बाहर चली गई है और अंतिम टच उड़ीसा के टीम के कैप्टन का हुआ था, इस वजह से यहां कॉर्नर किक लेने का चांस मिलता हुआ वहां कॉर्नर किक लिया अच्छी नतीजा भी दड़िया टाटा स्टील एफसी टाटा स्टील जमशेदपुर बीच रहे थ्रू पास जरूर उड़े हवाई आक्रमण का है कदम लेकिन अर्नोल्ड समय सीमित है जिम्मेदारी ज्यादा थ्रू पास जरूर बढ़ाए जमीनी पास के जरिए लेकिन गेंद को रोक लिया है वहां पर गोकुल ने गोकुल का पास बराबर यहां अजय को ढूंढते हुए गोकुल एक बार से जरूर पास निकालना चाहते थे राम थोड़ा सा पीछे रह गए और गोल की पर तब तक में निकलकर बड़ी सुपर खेल जो भी कहिए नवा मैच है पीछे चेंज ना बना टीम टेक्निक और माइंड ओका माइंडसेट ओका खिलोड़े भी जुड़ा ओका एक एकाग्रता भी जुड़ा पूरे माइंड सलाह के जाती करा नियम बीच रहे थोड़ा गान समान अंतर पास नवाद रहे नोड़े उड़ीसा विरुद्ध रहे लहा से बढ़िया पिया खिलाड़ी अड़ी बजे ठप्पर उनका अपना मौका भी लड़े करा ऑफ साइड या थोड़ा गान लहा से बहुत जरूर है संगे गाती लेके असिस्ट ले गया मैं खान ऑफ साइड या पोजिशन रहे लहा रहे बोला था ऑफ साइड का जो लाइन है बहुत बारीकी से वो बना रहा है और सही प्लेस से थ्रोइंग के माफ लीजिएगा यहाँ फ्री किक लेने के लिए रेफरी का इशारा होता हुआ अंडर रेफरी स्टेट है तिना दाबू रन पिड़ा को महाशय को से आर को सक्रिय मेंबर्स को ओडेना लिस्ट दया करते बना दूंगा ताकि उनको सही ढंग से संबोधन भी करिया अरे सीनियर फुटबॉलर को बिना हुआ तो ओडेना आरोज अनंत दा ओडे पर से बिना दया करते हम ओडेना लिस्ट दा थोड़ा बना दूं मैं राजा नोडे को पाले जल ती दाड़ी पे ना आदिया तलारे लंबा शॉट आपको एरिया कोई थोड़ा सा समय से सर अंतिम सिटी कभी भी इस मैच की फुल टाइम के डिसीजन बन सकती है और यहां देखना है बहुत ही सुंदर बॉल को ड्रिबल करता हुआ थोड़ा सा वहां पर मिस टाइम पास भी थी लेकिन खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है अच्छा मौका बनाया लेकिन देखे बैकहिल के जरिए कितना सुंदर पास बनाया कितना बेहतरीन स्किल है इन सभी खिलाड़ियों के पास स्किल स्पीड स्टेमिना स्ट्रेटेजी सारा कुछ इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है पूरा दमखम लगा दिया है दोनों टीम ने अभी भी दोनों टीम को सिर्फ 6 मिनट का बाकी बचे हुए समय है
और कोई को हना काउंटर रहे बोला का काउंटर था कि ना उना ना करे कोई बिना पिया उना ना खा कोई मी बार को बोलो कि ना थोड़ा जल तो पर अगर पे बोलो चो को तो बुना आर हम बार बार इतना पे कि ना हना ना खा को आर हमने मैडम पे बोलो चो की गया और जबरदस्ती लेकिन काफी ज्यादा लॉकडेड शॉट है करन उड़े जर्सी नंबर 3 विजय हाफ लाइन रे विजय हो अड़ी बेहतरीन ने दबी खेलो ने उदू कदम सुंदरगढ़ उड़ीसा श्री महाकाल स्पोर्टिंग क्लब सुंदरगढ़ उड़ीसा और एफसी किस्कू ब्रदर टाटा स्टील जमशेदपुर क्या यहां से निशांत के ग्रुप और निशांत के ग्रुप के जितने भी वॉलंटियर्स हैं निशांत का ग्रुप रहे थे तो बिना पिया नुआ मुए जैसे की चबा होना ओका 3 नंबर स्टेज है जो तो पहले चबा 3 नंबर स्टेज अच्छा निशान ग्रुप का अच्छा अच्छा ओके ओके निशान ग्रुप जैसे ही मैच खत्म हो जाती है आप लोग ग्राउंड के चारों ओर घूमेंगे निशान ग्रुप आप लोग रेडी रहेंगे चप्पा टाइमिंग हुई आई मुझे तला रिंग में सीखा बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि दोनों टीम ने अब अपना डिफेंस लाइन पे 4-5 खिलाड़ी को उतारा है इसका मतलब है कि दोनों टीम अब किसी तरह से बचने के इरादे से खेल रहा है कि बचे हुए समय में गोल ना करने दें क्योंकि दोनों टीम समझ रहे हैं कि यहाँ से ट्राइब्रेकर के लिए ये मुकाबला ज्यादा से ज्यादा वो संभव ना लग रहा है हम खुद टेंशन में पड़ गए कि क्या होने वाला है कि हम पहले से सोच रहे थे कि शायद ये लोग कुछ रिकॉर्ड बना के जाएगा हाँ रिकॉर्ड बना के जा रहा है लेकिन वैसे रिकॉर्ड लोग याद नहीं रखेंगे कि वो लोग स्टार्टिंग में ही कोशिश किया था नहीं हो पाया और जितने बार कोशिश किया बहुत अजीब तरीके से वो सब मिस कर गया है तो ये रिकॉर्ड नहीं है ये रिकॉर्ड बन के भी कोई फायदा नहीं है ये सब लोग याद नहीं रखेंगे वो याद रखेंगे अगर ये लोग कुछ गोल बना के जाता है जो पहले हम लोग का रिकॉर्ड बन चुका है उसको तोड़ के जाता तब शायद ये लोग का रिकॉर्ड बनता और ये लोग आगे जाके ये लोग को याद करता लेकिन ऐसा नहीं कि आगे जाके याद नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये लोग जो टीम प्लेयर सब हैं बहुत ही जबरदस्त प्लेयर सब हैं बहुत अच्छा खेलते हैं भले ये शायद उन लोगों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ या फिर अभी के लिए उन लोगों का किस्मत अच्छा साबित नहीं हुआ लेकिन অসাধারণ একটা ম্যাচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অসাধারণই বলবো কারণ কি সাধারণ সত্যিই নয় কারণ সাধারণ যদি হতো আমরা মনে হয় পেয়ে যেতাম হয়তো প্রথম হাফে একটা গোল বা সেকেন্ড হাফে একটা গোল বা এখনো পর্যন্ত সেকেন্ড হাফে কিছুটা সময় বেঁচে আছে যদিও কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আশাটা রাখছি সত্যি আমি দুঃখের সহ বলছি দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে কি এখন পর্যন্ত না কোনো টিমই একটা গোলও নিতে পারেনি গোল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি যেখানে দুটো টিমে কিন্তু অসাধারণ প্লেয়ার সব আছে অসাধারণ খেলোয়াড় সব খেলছে যাদেরকে দেখেছেন না বড় বড় ম্যাচে অন্য জায়গায় খেলতে দেখেছেন আর হয়তো এই মাঠটা তাদের জন্য সেরকম ভাগ্য নিয়ে আসেনি বা এই মাঠে যেরকম পরিশ্রম ওরা করছে সেই পরিশ্রমের ফল তারা পাচ্ছে না বা এটা হতে পারে যে সেইভাবে খেলছে না ঠিক আছে কিন্তু যাই হোক না কেন যেটুকু সময় বেঁচে আছে আমরা সেটুকু সময়টার মধ্যেও আমরা আশা রাখতেই পারি কোনো না কোনো টিম থেকে হয়তোবা একটা গোল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে অথবা ট্রাইব্রেকারের সাহারাই নিতে হবে তাদেরকে ये तला रहे नुड़े भी टेक चांस एंड बोल रहा है सारा हुई लेना थोड़ा सा समय नहीं तो सीस मिना नेक्स्ट टीम लिया हो तैयार करते हैं तैयारी हम तो उनपे
तलारे मीठे बदलाव शायद यहाँ पर अंतिम समय में यहाँ पर एक बदलाव राम को बाहर बुला जा रहा है और उसके स्थान पर जमशेदपुर की तरफ से नए खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 होपोटा फील्ड के अंदर आने के लिए तैयार है। ये बदलाव जरूरी भी था क्योंकि ये मुकाबला एक तरह से ये ड्राइवरकर की ओर ज्यादा से ज्यादा वो नजर आ रहा है, उस ओर निकल रहा है। होपोटा फ्री किक है अतावा बड़े बेहतरीन चांस भी लड़े यार। हम टीम दाम को टीम लगाना चाहेंगे और कुछ देर पहले सिखा भी कर रहे थे हमेशा इतिहास के पन्ने में जीतने वाले को याद किया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर फुल टाइम मिशन बच गई है और इस तरह से आज का ये तीसरा मैच एक जबरदस्त मुकाबला का समापन होता हुआ एफसी किस्कू ब्रदर टाटा स्टील जमशेदपुर 0 श्री महाकाल स्पोर्टिंग क्लब सुंदरगढ़ उड़ीसा 0 दोनों टीम 0-0 पर खेल खत्म करते हुए यहाँ से ड्राइवर कर दोनों टीम खेल ले किस तरह से होने वाला है ये कुछ ही देर में परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा।